ज्ञानवापी विवाद के बीच काशी पहुंचे पाकिस्तानी आरिफ, माथे पर त्रिपुंड लगाकर बाबा विश्वनाथ से लिया आशीर्वाद। ज्ञानवापी के विवादित ढांचे को बताया हिंदुओं पर अत्याचार, क्या भारत के कट्टरपंथी मुसलमान मानेंगे आरिफ की बात? अध्यात्म की नगरी काशी एक ऐसा प्राचीन शहर है जहां विराजमान है बाबा काशी विश्वनाथ, जिनके दरबार में हाजिरी लगाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आस्था का ये सैलाब ऐसा है कि साल 2022 में ही 7 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, तो वहीं तीज त्योहारों पर भी लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ का दरबार हिंदुओं के लिए कितना महत्व रखता है। तो वहीं एक सच ये भी है कि इतिहास में विश्वनाथ मंदिर पर जितने हमले हुए हैं, उतने हमले शायद ही किसी मंदिर पर हुए होंगे। 1194 में मोहम्मद गौरी की सेना ने इसे तोड़ दिया, 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़ा, 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए सेना भेजी, 1669 में औरंगजेब ने मंदिर गिराने का आदेश दे दिया। कट्टरपंथी मुस्लिम शासकों ने ज्ञानवापी मंदिर पर एक बार नहीं बार बार हमले किए, लेकिन इसके बावजूद ज्ञानवापी मंदिर का अस्तित्व नहीं मिटा सके। आज भी ज्ञानवापी में जो विवादित ढांचा खड़ा है, उसके अंदर मौजूद मंदिर के सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि हिंदुओं के विशाल मंदिर को तोड़कर विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ कट्टरपंथी मुसलमान ये बात मानने को तैयार नहीं है। उन्हें विवादित ढांचे में मस्जिद नजर आ रही है, इसलिए हिंदुओं ने जब ज्ञानवापी पर दावा ठोका तो मुस्लिम पक्ष सीधे कोर्ट पहुंच गया, और जब कोर्ट के आदेश के बाद हुए एएसआई सर्वे में बताया गया कि विशाल मंदिर को तोड़कर विवादित ढांचा बनाया गया, तो वैसे जैसे मुसलमान एएसआई को ही हिंदुत्व का गुलाम बताने लगे। लेकिन वहीं बात जब पाकिस्तान के मुसलमान आरिफ अजाकिया की आती है, तो वो पाकिस्तानी होने के बावजूद ये बात मानते हैं कि ज्ञानवापी में विवादित ढांचा बनाकर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया। खुद को 72 साल से पाकिस्तानी और 1000 साल से हिंदुस्तानी बताने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया धर्म से भले ही मुसलमान हो, उन्हें दूसरे धर्मों का सम्मान करना भी अच्छी तरह से आता है। तभी तो एक मुसलमान होने के बावजूद आरिफ अजाकिया भारत दौरे पर आए तो महादेव की काशी में कदम रखना नहीं भूले, और जो काशी जाता है वो भला बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाए बिना कैसे वापस आ सकता है? उनके दर्शन के बिना तो काशी यात्रा ही अधूरी मानी जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तानी आरिफ अजाकिया काशी पहुंचे तो माथे पर त्रिपुंड लगाकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी भी लगाई, और जब ज्ञानवापी के विवादित ढांचे पर नजर पड़ी तो ऐसी बात बोल दी जिससे कट्टरपंथी मौलानाओं का चिढ़ना तय माना जा रहा है। क्योंकि विश्वनाथ धाम में खड़े होकर आरिफ अजाकिया ने कहा कि दोस्तों, ज्ञानवापी मंदिर का दर्शन हुआ, ये मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात है मैं बता नहीं सकता। मोहम्मद आरिफ शिवजी के स्थान पर जा रहा है तो ये उनकी मर्जी है जो मुझे बुला रहे हैं, वरना मेरी औकात नहीं है। मुझे दुख हुआ मथुरा में मंदिर के बगल में मस्जिद देखकर। हजारों साल पुराने ज्ञानवापी मंदिर के शिवलिंग पर औरंगजेब ने मस्जिद बनाई। नंदी जी को देखकर दुख हुआ कि वो देख रहे थे उस तरफ जहां मस्जिद बनी हुई है। अब इससे ज्यादा अत्याचार क्या होगा? इस कौम ने हजारों साल का नरसंहार बर्दाश्त किया, लेकिन ये कैसे बर्दाश्त करें? अब तो रिपोर्ट भी आ गई है, इनका सब्र कब तक आजमाएंगे? मुसलमानों को भी पता है सच्चाई क्या है। मुसलमानों को खुशदिली से कह देना चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि शिव स्थान आपके हैं। पाकिस्तान में जन्मे मोहम्मद आरिफ अजाकिया अगर काशी नहीं आते और शिव मंदिर पर बने विवादित ढांचे को नहीं देखते, तो शायद उन्हें भी ये विश्वास नहीं होता कि वाकई हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर ही विवादित ढांचा बनाया गया है। जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से ज्ञानवापी पर हुए मुगलों के अत्याचार को देखा, तो भारत के मुसलमानों से ज्ञानवापी पर अपना दावा छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि यह हजारों साल पुराना मंदिर और ये है कुछ सौ साल पुरानी मस्जिद, ये इंतहा नहीं है, ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है? ये सेक्युलरिज्म नहीं है, ये अत्याचार है, ये हुक्मरानी की निशानी है, जुल्म की निशानी है जो इस कौम पर किया गया। तुम लोग एक मस्जिद की बात करते हो, हिंदुओं ने हजारों मंदिर खोए हैं, मंदिर खोकर भी इनका सबर देखिए। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ, कौन इन्हें रोक सकता है? दुनिया का कौन ऐसी मेजोरिटी वाला देश है जो ये सब बर्दाश्त करेगा? मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाते हुए जिसका जो है उसे वापस कर देना चाहिए। आप खुद जाकर देख लीजिए, आपको किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अदालत की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आंखें आपका दिल कहेगा
हाँ ये तो अत्याचार है। हजारों साल पुराने मंदिर पर मस्जिद अत्याचार की निशानी है, इसे खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जन्मे मोहम्मद आरिफ अजाकिया फिलहाल लंदन में रहते हैं और खुद के बारे में कहते हैं कि मैं 72 साल से पाकिस्तानी हूँ जबकि 1000 साल से हिंदुस्तानी हूँ। और ये बात उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन उससे पहले तो वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा थे। इसलिए आरिफ अजाकिया खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं और अपनी पीढ़ियों का रिश्ता भी हिंदुस्तान से ही बताते हैं। उनके दिलों में हिंदुस्तान इस कदर रचा बसा है कि वो अब तक 2 बार भारत के दौरे पर आ चुके हैं। दूसरी बार जब आए तो अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों धाम में दर्शन पूजन किया। अयोध्या में तो रामलला के दर्शन भी किए, लेकिन जब मथुरा और काशी में गए, वहाँ जिस तरह से मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, उसे देखकर आरिफ अजाकिया को बहुत दुख हुआ। इसलिए उन्होंने इसे मुगलों का अत्याचार बताते हुए भारत के मुसलमानों से अपील की कि उन्हें कम से कम मथुरा और काशी में अपना दावा छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनकी इस अपील का भी असर शायद नहीं होने वाला है क्योंकि काशी और मथुरा का विवाद कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट से ही फैसले की उम्मीद है। बहरहाल एक पाकिस्तानी ने भी जिस तरह से ये माना है कि अयोध्या, काशी और मथुरा में मुगलों ने मंदिरों पर अत्याचार किया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं।